दोस्तों, रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए इस सप्ताह की 10 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 से 21 अप्रैल 2019 तक की ये 10 बड़ी भर्तियां हैं। इन फॉर्म को भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। साप्ताहिक भर्तियों की बड़ी अपडेट हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। 1 लाख से ज्यादा खाली पदों के लिए यहाँ पर आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसीज हैं, मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भर्तियां निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, क्या इन भर्तियों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई कर सकते हो और आप कब तक अप्लाई कर सकते हो। डिटेल्स में पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सप्ताह की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। जो कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखते हैं उनके पास यहाँ पर सुनहरा अवसर है। क्लर्क पोस्ट के लिए बम्पर भर्तियां निकली है। जूनियर एसोसिएट्स के लिए यहाँ पर 8,904 पद खाली है। सैलरी की वही बात की जाए तो 11,765 से 31,450 तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें स्टार्टिंग बेसिक पे 13,075 रुपये रहेगा। वही बात योग्यता की जाए तो किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट पास होना अनिवार्य है, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हो। जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये आवेदन शुल्क है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएक्स सर्विसमैन के लिए 125 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन तरीके से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री और मेन एग्जामिनेशन के माध्यम से, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। SBI.co.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, आप इसी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 12 अप्रैल 2019 से। जी हाँ दोस्तों, फीस पेमेंट भी 12 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट की वही बात की जाए तो साथ साथ फीस पेमेंट और ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 3 मई 2019 है। एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल्स की लास्ट डेट 3 मई 2019 है। प्रिंटिंग एप्लीकेशन की लास्ट डेट 18 मई 2019 है। प्री एग्जामिनेशन डेट जून 2019 है। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो प्री एग्जाम के लिए फर्स्ट वीक ऑफ जून 2019 से और मेन एग्जाम के लिए फोर्थ वीक ऑफ जुलाई 2019 से, और मेन एग्जाम की टेंटेटिव डेट है 10 अगस्त 2019। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो सेकंड नंबर की जॉब निकली है वो निकली है इंडियन नेवी के अंतर्गत। चार्जमैन पोस्ट के लिए यहाँ पर 172 पद खाली है। सैलरी 35,400 से 1,12,400 है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना चाहिए तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। मैक्सिमम आयु सीमा 30 वर्ष है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। जनरल या ओबीसी के लिए 205 रुपये आवेदन शुल्क है। एससी एसटी और फीमेल को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। joinindiannavy.gov.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस भर्ती के लिए अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 16 अप्रैल 2019 है। लास्ट डेट की वही बात की जाए तो 28 अप्रैल 2019 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यहाँ दोस्तों, इस भर्ती की पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए भी यहाँ पर टैब दी गई है, आप इसे डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये सभी जॉब सबसे पहले देखना अनिवार्य है, उसके बाद आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। थर्ड नंबर की जॉब की बात की जाए तो इंडियन आर्मी के अंतर्गत निकली है सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल, सोल्जर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए वेरियस पद खाली है। सैलरी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। 10वीं 12वीं पास से अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 17.5 से 23 वर्ष है। जोधपुर जॉब लोकेशन है इंडिया में, आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। प्लस आवेदन शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न एग्जाम के माध्यम से, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। joinindianarmy.nic.in का ऑफिशियल पोर्टल है, इसी से 6 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप 20 मई 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।
इस भर्ती के लिए आपको रिक्रूटमेंट रैली अटेंड करनी होगी 1 से 10 जुलाई 2019 तक। जी हाँ दोस्तों, इसकी नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई ऑनलाइन भी आप डायरेक्टली यहीं से कर सकते हो। साथ साथ दोस्तों इसी पेज पर आपको एक और इंडियन आर्मी भर्ती की जानकारी दी गई है, पोस्ट यहीं पर सेम दी गई है। साथ साथ ये जॉब लोकेशन की बात की जाए तो शिमला HP के अंतर्गत है, इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। बाकी की एलिजिबिलिटी यहाँ पर सेम दी गई है, इस भर्ती के लिए आप 18 मई तक आवेदन कर सकते हो। इसकी रिक्रूटमेंट रैली की डेट की बात की जाए तो 3 जून से 15 जून 2019 तक आपको रैली अटेंड करनी होगी। सभी के यहाँ पर हेल्पिंग लिंक्स दिए गए हैं, आप इनकी मदद से इनकी नोटिफिकेशन और डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन यहीं से कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 4th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। क्लर्क के लिए यहाँ पर वेरियस पद खाली है, सैलरी 19,900 से 63,200 है। 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 50 वर्ष आयु सीमा है। कुरुक्षेत्र हरियाणा जॉब लोकेशन है, इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर आवेदन शुल्क भी दिया गया है, जैसे कि अलग अलग स्टेट के लिए भी यहाँ पर आवेदन शुल्क दिया गया है, जैसे कि 1200, 600, 300 और PWD कैटेगरी फीमेल और मेल जो हरियाणा स्टेट के हैं ओनली, उनको कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, फिजिकली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। KUK.ac.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी से आप 15 मई 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है NHPC के अंतर्गत। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने नया नोटिस जारी किया है ट्रेड अप्रेंटिस पोस्ट के लिए। वेरियस वैकेंसीज है, साथ साथ योग्यता 10वीं के साथ साथ प्लस ITI में ट्रेड में सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। आयु की गणना 31/10/2018 से की जाएगी। ये जो लोकेशन हिमाचल प्रदेश है, इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा, ना ही कोई एग्जाम और ना ही कोई इंटरव्यू देना होगा। जी हाँ दोस्तों, मेरिट के आधार पर आपका इसमें सीधा चयन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो, सबसे पहले आपको apprenticeship.gov.in पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको nhpcindia.com से ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करना होगा और भरने के बाद में 10 मई 2019 तक ऑफिशियल एड्रेस पर सेंड कर देना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको यहीं पर दिया गया है, नोटिफिकेशन के अंतर्गत ही आप एप्लीकेशन फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत। स्टेनोटाइपिस्ट Grade 3, टाइपिस्ट, सैनिटरी वर्कर्स, नाइट वॉचमैन, स्वीपर और फुल टाइम मसालची के यहाँ पर वेरियस पद खाली है। सैलरी की बात की जाए तो स्टेनोटाइपिस्ट Grade 3 के लिए 20,600 से 65,500 है, टाइपिस्ट के लिए 19,500 से 62,000, सैनिटरी वर्कर्स और जो बाकी की पोस्ट है 15,700 से 50,000 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के लिए मैक्सिमम आयु सीमा 35 है, OBC के लिए 32, अदर्स के लिए 30 है। आयु की गणना 1 जुलाई से की जाएगी। वेलोर तमिलनाडु जॉब लोकेशन है, इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। प्लस आवेदन शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा, ना ही कोई एग्जाम देना होगा, इंटरव्यू के माध्यम से डायरेक्ट सिलेक्शन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो, district.ecode.gov.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट रिसोर्स लिंक भी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का दिया गया है, आप यहीं से नोटिफिकेशन और साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। और भरने के बाद में एड्रेस भी यहाँ पर दिया गया है, इस एड्रेस पर आप 24 अप्रैल 2019 तक सेंड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली आदर्श विद्यालय संगठन में, पोस्ट है प्रिंसिपल, PGT, TGT, PET और कंप्यूटर टीचर की, 878 पद खाली है। प्रिंसिपल के लिए सैलरी 67,700, PGT के लिए 47,600, TGT के लिए 44,900 और PET के लिए 35,400, साथ साथ कंप्यूटर टीचर के लिए 13,900 प्रोवाइड पर मंथ के लिए की जाएगी। डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री BEd, BBTech, MCMSC, BCA, BSc अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 50 वर्ष है। ओडिशा जॉब लोकेशन है, इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 1500 रुपये आवेदन शुल्क है, जो बाकी की पोस्ट है उनके लिए 1000 रुपये है। स्टेट बैंक क्लर्क के माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इंटरव्यू और परफॉर्मेंस टेस्ट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। OAVS.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी से आप 15 अप्रैल 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 17 अप्रैल 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर PO के लिए भी वैकेंसीज निकली है, इसमें जनरल कैटेगरी के 810 पद खाली है। EWS के लिए 200, OBC के लिए 540, SC के लिए 300, ST के लिए 150, तो टोटल 2000 पदों के लिए यहाँ पर PO के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस मंगाए गए हैं। 23,700 से 42,000 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 30 वर्ष आयु सीमा है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है,
जनरल या ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ₹750 आवेदन शुल्क है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए ₹125 है, जो कि आप ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कर सकते हो। प्री ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से इसमें आपका चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। sbi.co.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 22 अप्रैल 2019 है। साथ साथ यहाँ पर आप ऑनलाइन एग्जाम की डेट भी देख सकते हो। प्री के लिए 8, 9, 15 और 16 जून 2019 है और मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए 20 जुलाई 2019 है। फाइनल रिजल्ट की डेट सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में लेक्चरर टीचर असिस्टेंट टीचर के लिए। यहाँ पर 14,428 पद खाली है। सेली लेवल 6, 7, 8 और 9 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। साथ साथ हायर सेकेंडरी डिप्लोमा बीएलएड ग्रेजुएशन बीएड टीईटी अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष है। छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है। जनरल कैटेगरी के लिए ₹350 आवेदन शुल्क है। ओबीसी के लिए 250, एससी एसटी फीमेल और पीएच के लिए 200 है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम के माध्यम से। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। cgvyapan.choice.gov.in इस पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सभी की लास्ट डेट की बात की जाए तो लेक्चरर पोस्ट के लिए 12 मई 2019 तक आवेदन कर सकते हो और जो असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है इसके लिए 26 मई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और साथ साथ टीचर और असिस्टेंट टीचर इंग्लिश के लिए आप 9 जून 2019 तक आवेदन कर सकते हो। असिस्टेंट टीचर साइंस और टीचर ईएनटी कैटेगरी के लिए आप 16 जून तक आवेदन कर सकते हो। लेक्चरर की एग्जाम डेट 14 जुलाई 2019 है और जो टीचर साइंस की उसकी भी 28 जुलाई है और टीचर असिस्टेंट टीचर की 11 अगस्त है और साथ साथ असिस्टेंट टीचर साइंस और टीचर ई कैटेगरी के लिए आप 25 अगस्त 2019 एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है। साथ साथ इसी पेज पर आपको एक और भर्ती की यहाँ पर जानकारी दी गई है टीचिंग के लिए। ये यहाँ पर लेक्चरर टीचर एक्सरसाइज टीचर असिस्टेंट टीचर के लिए 14,580 पद खाली है। 38,100 पर माह के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट और साथ साथ बी एड टी टी अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। आयु की गणना आप ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से तय की जाएगी, नोटिस से चेक कर सकते हो। छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है। जनरल और ओबीसी के लिए ₹400 शुल्क है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 200 है। रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन करने की 25 अप्रैल 2019 है। सभी के नोटिफिकेशन के लिंक यहीं पर दिए गए हैं। साथ साथ डायरेक्टली अप्लाई भी आप यहीं से कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 10th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है एयर इंडिया के अंतर्गत। जी दोस्तों, एयर इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर फ्लाइट डिस्पैचर के लिए यहाँ पर 70 पद खाली है। 20,000 से 40,000 सैलरी है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आयु सीमा 35, 38, 40 और 63 वर्ष है। दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। प्लस आवेदन शुल्क भी जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन भी इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। airindia.com ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। इस भर्ती के लिए आपको 6 और 9 मई 2019 को सुबह 10:30 बजे वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी पेज पर साथ साथ सेकंड नंबर की जॉब सुपरवाइजर सिक्योरिटी के लिए निकली है। इसके लिए 27 पद है। इसके लिए सैलरी 21,371 पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। बैचलर डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आयु सीमा 30 वर्ष है। न्यू दिल्ली जॉब लोकेशन है। कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। 19 अप्रैल 2019 तक आप ऑफलाइन आवेदन पत्र सेंड कर सकते हो। इसी पेज पर आपको 3rd नंबर की एयर इंडिया की जॉब है जो कैबिन क्रू के लिए है। इसके लिए 42 वैकेंसीज है। 15,000 सैलरी है। 10वीं के साथ 12वीं क्लास पास होना चाहिए। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ₹1,500 डिमांड ड्राफ्ट से आपको जमा करने होंगे। वहीं बात ऑनलाइन आवेदन की जाए तो इसके लिए आप डायरेक्टली सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 19 अप्रैल 2019 तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। लिंक यहीं पर दिया गया है। साथ साथ इसी पेज पर आपको 4th नंबर की जॉब भी दी गई है जो कि डिप्टी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असिस्टेंट जनरल मैनेजर मैनेजर स्टेशन मैनेजर असिस्टेंट ऑफिसर और भी पद है जो आप नोटिस से चेक कर सकते हो। इसके लिए मैट्रिकुलेशन 12वीं और ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 40, 45, 50 है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। फीस जमा नहीं करनी होगी। एग्जाम भी नहीं देना होगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। 19 अप्रैल 2019 तक आप आवेदन पत्र सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी सप्ताह की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अब इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक अलग अलग डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। सभी जॉब्स के लिंक वहीं पर दिए गए हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर पेज पर विजिट करके जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हो सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर लीजिए और यहीं से आप इनकी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। जिस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा वहीं पर ऑनलाइन आवेदन के लिंक दिए गए हैं और जिस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा उनके लिए आपको वहीं पर ऑफलाइन के भी लिंक दिए गए हैं। आप वहीं से एप्लीकेशन फॉर्म में डाउनलोड करके सिंपली आवेदन सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।